स्टूडेंट्स हाउ आर यू, आई होप यू ऑल विल बी फाइन। वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल किरण पूनिया। लेट्स स्टार्ट आवर स्टडी विद स्माइली फेस एंड फ्रेश माइंड। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, मीता सेव्स रुपीज 800 फ्रॉम हर सैलरी। मीता ने 800 रुपीज सेव किए हैं अपनी सैलरी से। इफ दिस इज 10% ऑफ हर सैलरी, अगर ये सेविंग उसकी सैलरी का 10% है, बट इज हर सैलरी, तो उसकी सैलरी क्या है? सैलरी तो कंप्लीट ही होगी ना, और कंप्लीट चीज को मैंने क्या बताया था, कंप्लीट चीज आपकी होती है 100%। कंप्लीट चीज आपकी क्या होती है? 100%। मीता ने सेव किए 100 रुपीज जो है सैलरी का 10%। सो 10% ऑफ हर सैलरी इज इक्वल टू 800 रुपीज। 800 रुपीज है 10%, और आपको फाइंड आउट क्या करना है, कंप्लीट सैलरी मींस 100%। 1% ऑफ हर सैलरी क्या हो जाएगा, 10 से ज्यादा से हम 1 पे जाते हैं, तो इस नंबर को डिवाइड करते हैं इससे, क्या आ जाएगा, 800 डिवाइडेड बाय 10 रुपीज। 1% के लिए आ गया आपके पास। अब आपको 100 का बताना है, 1 से जब आप ज्यादा पे जाते हैं तो इस नंबर की मल्टीप्लीकेशन इसके साथ हो जाती है। तो 100% सैलरी क्या आ जाएगी, 800 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 100। 0 से 0 कैंसिल, क्या बचा आपके पास, रुपीज 8000। 8000 रुपीज उसकी क्या होगी, कंप्लीट सैलरी। 100% क्या आ गया उसकी सैलरी का, 8000 रुपीज। सो हर सैलरी इज रुपीज 8000, तो उसकी सैलरी कितनी है, 8000 रुपीज है। इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज 8.2 कंप्लीट हो जाती है। अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 8.3, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है, टेल व्हाट इज द प्रॉफिट और लॉस इन द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। नीचे कुछ ट्रांजेक्शन दी है, उसमें आपको बताना है कि लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है। ऑल्सो फाइंड प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट इन ईच केस। प्रॉफिट या लॉस तो बताना ही बताना है, साथ में उनकी परसेंटेज भी बतानी है कि अगर प्रॉफिट हुआ है तो कितने परसेंट हुआ है, और लॉस हुआ है तो कितने परसेंट लॉस हुआ है। ठीक है, आपको लॉस तब होता है जब कोई चीज़ आप महंगी खरीद के और सस्ते में बेच देंगे। खरीदी आपने ज़्यादा रुपये की और बेच दी कम रुपीज की, तो आपको क्या होगा, लॉस। अगर आपने कम में ली है और ज़्यादा में बेच दी, तो आपको क्या हो जाएगा, प्रॉफिट। ठीक है, फर्स्ट है, और जिस किसी भी चीज़ को जब आप खरीदते हैं तो वो होता है आपका कॉस्ट प्राइस, और किसी भी चीज़ को जब आप बेचते हैं तो वो होता है आपका सेलिंग प्राइस। हमेशा बड़ी में से छोटी क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट होगी, तो आपको पता चल जाएगा लॉस होगा या प्रॉफिट होगा। ठीक है, फर्स्ट है, गार्डनिंग शेयर बोट फॉर रुपीज 200 एंड सोल्ड फॉर रुपीज 350। गार्डनिंग शेयर उसने खरीदी तो 200 रुपये में और बेच दी 350 रुपये में, तो कॉस्ट प्राइस खरीदेंगे तो उसको बोलेंगे कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस है 200 और सेलिंग प्राइस है 350, तो यहाँ पे क्या होगा हमारा, ज़्यादा में बेची है तो क्या हो जाएगा, प्रॉफिट। ज़्यादा में बेची है तो क्या होगा, प्रॉफिट, और प्रॉफिट होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, क्या हो जाएगा, 350 माइनस 200, तो कितने रुपीस का प्रॉफिट हो गया उसको, 150 रुपीस का उसको प्रॉफिट हुआ है। बट आपको ये भी बताना है कि प्रॉफिट परसेंटेज क्या है। प्रॉफिट परसेंटेज आपका निकलता है, प्रॉफिट या लॉस परसेंट हमेशा ऐसे आएगा, यहाँ तो जितना प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट परसेंटेज निकाल लेना, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सीपी मल्टीप्लाई बाय 100। प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सीपी मल्टीप्लाई बाय 100, प्रॉफिट है 150, सीपी है 200 मल्टीप्लाई बाय 100, 20 से 20 कैंसिल, ये 75। तो आपको कितने परसेंट प्रॉफिट हुआ, 75% आपको प्रॉफिट हुआ है, ऐसे आता है आपका प्रॉफिट। कैसे बताएंगे, अगर सेलिंग प्राइस ज़्यादा है तो सेलिंग में से कॉस्ट प्राइस सब्ट्रैक्ट कर देंगे, आपका प्रॉफिट आ जाएगा। प्रॉफिट परसेंट होता है प्रॉफिट बाय सीपी मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, अगर लॉस परसेंटेज होता तो लॉस बाय सीपी मल्टीप्लाई बाय 100। सीपी और 100 सेम रहते हैं, यहाँ लॉस है तो लॉस आ जाता है, प्रॉफिट है तो प्रॉफिट आ जाता है।
अभी इसी का बी पार्ट है हमारे पास, अ रेफ्रिजरेटर बोट फॉर ₹10,000। रेफ्रिजरेटर बोलते हैं हम फ्रिज को, फ्रिज लिया है 10,000 का एंड सोल्ड एट ₹15,000 और उसको बेच दिया 15,000 में, तो उसका सीपी तो क्या हो गया आपका 10,000 हो गया और एसपी क्या हो गया आपका 15,000 हो गया। अब ज्यादा में बेचे है तो क्या होगा उनको प्रॉफिट, और प्रॉफिट क्या होता है एसपी माइनस सीपी विच इज इक्वल टू 15,000 माइनस 10,000। 15 में से आप 10,000 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचेगा आपके पास ₹5,000। 5,000 का हो गया उनको प्रॉफिट। अब आपको परसेंट भी बतानी है, प्रॉफिट परसेंटेज क्या आएगा आपके पास, प्रॉफिट बाय सीपी मल्टीप्लाई बाय 100। प्रॉफिट है 5,000 डिवाइडेड बाय सीपी है 15, सीपी है आपका 10,000 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, 30 से 30 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, तो कितना हो गया 10 × 5 = 50। 50% इनको प्रॉफिट हुआ है। सी पार्ट है आपका, अ स्कर्ट बोट फॉर ₹300 एंड सोल्ड एट ₹150। एक स्कर्ट है खरीदी है 300 में तो सीपी हो गया 300 और बेच दी 150 में तो इसका एसपी कितना हो गया 150। स्कर्ट बोट कितने में की 300 में तो सीपी क्या है 300 और सेल कितने में करी ₹150 में तो एसपी क्या हो गया ₹150। अब आपको देखो सेलिंग प्राइस कम है ना, कम में बेची है ज्यादा में लेके, तो क्या होगा लॉस। लॉस के लिए होता है सीपी माइनस एसपी, तो क्या हो जाएगा 300 माइनस 150 विच इज इक्वल टू 150, तो ₹150 का क्या हो गया लॉस। अब निकालना है लॉस परसेंटेज, लॉस परसेंटेज क्या होगा लॉस डिवाइडेड बाय सीपी मल्टीप्लाई बाय 100। लॉस है 150 डिवाइड सीपी कितना है 300 मल्टीप्लाई में 100। 0 से 0 15 × 1 = 15, 15 × 2 = 30, 2 से कट करेंगे 50, तो क्या हो गया 50% का उनको लॉस हो गया। कितना लॉस हुआ 50% का। थैंक यू क्लास।